अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक। आज हम सुनने वाले हैं भाई एक ईपी का गाना रह गया था, अभी एमसी स्टैंड का भी अभी गाना है सामने। तो खैर रेनी नाइट्स JJ47 और साथ है मुर्शद पापा जानी और ट्रेंडिंग पे है भाई। भाई अंजुम का जहाँ नाम आ रहा है ना भाई, वो चीज़ ट्रेंडिंग में जा रही है। ये कमाल ही सीन हो रहा है भाई, इतना कंसिस्टेंसी किसी भी एज ए यूट्यूबर व्लॉगिंग चैनल्स में देखी है, ये गानों में कभी मैंने देखा नहीं भाई। तो स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग बाबा जी। यस कमांडो। अब बादल बरसे जब तेरे बिन, मेरे खाली से सहन में मेरी रातें और तेरे वो सारे दिन, बातें भी करते हैं आपस में कि तू आया ही नहीं, तू आने को ही था, मुझे होश ना रही। मैं तीसरा गाना ये सुन रहा हूँ और मुझे दो चीजें मुसलसल बोलनी पड़ेंगी। यंगस्टर्स को सुनते हुए बहुत देर हो गई है और फिर मैं वही बोलूंगा, नए जो फैंस हैं उनको शायद अलांजुम का मेलोडी पार्ट या एक सुरीला करके उसने गाना वो ठीक है, अच्छा लग रहा है, बट मेरे लिए ना बहुत हजम करना मुश्किल हो रहा है। मैं ऐसा हूँ कि मुझे, मैंने हमेशा कहा है कि मुझे यूनस मेलोडीज में अच्छा लगता है भाई, या गुनगुनाना जिसे कहते हैं वो अच्छा लगता है। और सेकेंडली इस ईपी का बेस्ट पार्ट ही जो क्रिएशन जिसे हम क्या कहते हैं यूएसपी क्या कहते हैं, जो ऊपर आती है चीज़ जो मेन पॉइंट है, तो वो सारा का सारा ना जोखे खा रहा है। पता नहीं क्यों म्यूजिक, मैं शायद अरसे बाद सुन रहा हूँ जोके को उमेर के बाद, मतलब जो असली उमेर है उसको सुनने, तो ये चीज़ें ना ये अब एज ए हिप हॉप लिसनर या ये वो करने की जरूरत नहीं है। तुम अगर यंगस्टर्स को सुनते हो तो मैं ऑटोमेटिकली ये दो चीज़ें फील होनी चाहिए, और अगर बहुत देर के सुन लो चार पाँच साल अलग नहीं तुम अरसे से सुन रहे हो तो तुम्हें महसूस होगी वो कैफियत। और चीखती रही मेरी खामोशियां, फिर चांद छुप गया फिर तारीकियां, तू ही दरिया है तू ही किनारा भी है, तू जितना बेपरवाह है तू उतना प्यारा भी है, तू छू के जाए तो जैसे बहारें ही आ गई, वरना खिजाओं ने मुझे उजाड़ा भी है, अब मकसद बेमकसद हुए तुझे गए अरसे हुए, पर बरसे अब बादल जब मुझ पर तो याद आया हम तुझको तरसे हुए, बेघर हम घर से हुए हाथ अब मसलते हुए, डरते रहेंगे कब तक बिखरने से, डरते हैं अब तेरे मुंह पे मुकरने से, दुनिया इंतजार करती रह गई, मैं बेदिली से गया नहीं स्टेज पे, वरना तो मैं स्टेज पे खड़ा होता हूँ, आने नहीं देता दिल ने जो है वो फेस पे, मैं अकेलेपन से आशना सा हो चुका जैसे मैं अकेला रह। So, भाई इस तरह तो भाई है भाई, अब ये लोलोपोपो बात है, लेकिन ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि हम औरत की बात करें, लेकिन यहाँ पे औरत की हो रही है, लेकिन औरत भी नहीं है भाई, इंडिविजुअली कोई भी हो सकता है भाई। भाई अपने आप के कैफियत को छुपाना बड़ा मुश्किल है, कई जगहों पे बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई, बहुत ही, किसी भी कैफियत को अपने चेहरे पर ना लाना ताकि उससे अगले को इंप्रेशन बुरा ना जाए। शहर में मुझे कोई मशवरा तो दे दे मौत का, सिर्फ नशा है अब तेरे जहर में, अब बादल बरसे जब तेरे बिन मेरे खाली से सहन में मेरी रातें और तेरे वो सारे दिन, बातें भी करते हैं आपस में कि तू आया ही नहीं, तू आने को ही था, मुझे होश ना रही, मैं भीगता रहा और चीखती रही मेरी खामोशियां, फिर चांद छुप गया फिर तारीकियां, मैं ढूंढू तेरा नेम ओ बदल, ये दिख जाए तुझ सी शक्ल, कि जाऊं किसी तरह संभल मेरे वहम और गुमा में भी जो ना हो मिल जाए फल, कहां गई मेरी अकल और ना ही तू करती दखल, मैं सोचूं तेरा जिक्र यूं करूं कि मैं एक और लिख बैठूं तुझ पे गजल,
मेरी जान तुम गलत नहीं हो, कैसे जुटलाऊं लत नहीं हो, तू बरसोगे कैसे सूखे मैदानों में, मेरी जान तुम फलक नहीं हो, तेरे लिए ये भी हद नहीं है, मेरे लिए तुम सबक नहीं हो, तो मुझे एक घर तो दे के चले पर तुम बिन उसकी छत नहीं हो, तो मुझे आवाज देना जब रात ये बताने लगे, तन्हाई भी खाने लगे, जब दर्द भी हंसाने लगे, तो मुझे याद करना किस तरह से ठिकाने लगे, किस शख्स से निभाने लगे, तुम्हें बरसते जमाने लगे क्यों। अब बादल बरसे जब तेरे बिन, मेरे खाली से सहने, मेरी रातें और तेरे वो सारे दिन, बातें भी करते हैं आपस में कि तू आया ही नहीं, तू आने को ही था, मुझे होश ना रही, मैं भीगता रहा और चीखती रही, मेरी खामोशियां, फिर चांद छुप गया, फिर तारीकियां। ब्रो ऐसे गानों में मैं क्या बोलूं, मतलब मैं सीरियसली, मैं फिर तुम मेरे को ना भाष से ज्यादा होना शुरू हो जाता है ना, मेरे को बोरिंग होने शुरू हो जाता है। अभी गाना ट्रेंडिंग में लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, मेरा नजरिया बहुत अलग है, मैं 36,000 दफा बोल बैठा हूँ, और अगर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई नफरत है या कुछ, मुझे ऐसे गाने एक हद से ज्यादा ना लेम लगने शुरू हो जाते हैं। भाई मैं क्या मतलब एक दुखी होके बैठा हूँ और ये गाना सुनूं और ये कैफियत को महसूस करूं जो मुझे महसूस ही नहीं हो रही। तो जस्ट वही बात है, तुम नौजवान हो और तुम्हें तुम्हारे देखो यार बुरा ना बनाना, तुम में से जो जो इस तरह के गानों पे भी वो ज़्यादा इमोशनली हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, बट तुम लोग भटके हुए लोग हो, सीधी सीधी बात है, केला खाना खा लो मेरे लोड़े को फर्क नहीं पड़ता। मैं इस तरह का हूँ नहीं, तो मेरा जोड़ मैं करने पे हूँ तो इस पर बहुत ओह 10-12 बातें कर लूँ मोहब्बत की और इस तरह वगैरह, वैसे वो झूठी चीज़ें होती नहीं है, ये जस्ट मज़ेदार ट्रैक है, तुम लोग सुन लेना इस चीज़ को, बस क्या मैं इस पर ज़्यादा और इजाफा करूँ। लेकिन इस EP का सबसे ज़्यादा टॉप नो जो काम है ना भाई, वो म्यूज़िक है, और मेरे हिसाब से आई डोंट नो, तुम लोग जाहिर बात है अंजुम की वजह से सुन रहे होगे, इसका रनिंग ट्रैक बहुत कमाल किस्म का था, कुछ एक एक मस्त किस्म का मस्त कलंदर वाला काम नहीं है वो वाला करता है, बट इसका टॉप नो जो काम जो था वो झोंके का ही था इस पूरी EP के अंदर। सो हाँ, मिलता हूँ आपको किसी अगले वीडियो पे, और हाँ यस कमांडो।